जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में तुम्हारे पास ए बी और सी, ठीक है, एक लाइन इसको कट कर रही है इस तरीके से। इस पॉइंट को हमने डी लिया और इसको लिया एफ, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है और नीचे 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये वाला पोर्शन बताना है, बताएंगे कैसे, ठीक है। अब इस सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जैसे हम अकॉर्डिंग टू जो थ्योरम है तुम्हारी, उस थ्योरम से क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगी, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगी, ठीक। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, यहां पे रख दो 1.5 रख दो, और इसकी वैल्यू कितनी है, डी ई की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक। इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ए एफ की वैल्यू कितनी है, 1, और नीचे की एक्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। अब देखो ये कितना आ जाएगा, जैसे 1.5x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1.5x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 1.5, ठीक। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन 1.5, अब इसको डिवाइड कर लो, आंसर कितना जाएगा, x इज इक्वल टू तुम्हारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका अप्लाई होगा वो क्या अप्लाई होगा, कि 2 इक्वल रेशोज में डिवाइड करती है, किसमें करती है, इक्वल रेशोज में डिवाइड करती है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी FC की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर।